गुड मॉर्निंग, टुडे इज 14 फेब 2019 और आप सभी का स्वागत है द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एनालिसिस में। ये जो वर्जन है डेली मॉर्निंग में 5:30 o'clock में अपलोड हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि आज कौन कौन सी प्रमुख आर्टिकल आई है जिसका हम लोग डिटेल में विश्लेषण करने वाले हैं। पहली आर्टिकल में जो आज हम लोग टच करेंगे वो बेगिंग से रिलेटेड इशूज को टच करेंगे। और ये जो आप बेगर देख रहे हो, जो भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये और कुंभ में जो आए हुए साधु हैं उनका क्या कनेक्शन है? ये साधु भी तो आखिर भिक्षा मांगकर ही खाते हैं। तो बेगर से हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी है किस तरीके से रिलेट करती है, स्टेट लिस्ट इसको किस तरीके से देखती है और क्या क्या प्रोविजंस हैं, उन सब चीजों को डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दूसरी आर्टिकल होगी जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन है और ये नाइजीरिया जो कंट्री है, इस दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। इन दोनों के बीच के कनेक्शन को समझते हुए देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन कितनी तरीके से क्यों सक्सेसफुल हुई और उसकी सक्सेस स्टोरी जो है दूर दूर तक क्यों प्रचलित होती चली जा रही है। साथ ही साथ तीसरी आर्टिकल होगी जिसमें हम लोग देखेंगे कि अभी जो है बोर्ड एग्जामिनेशन, खास करके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन देने का वक्त आ गया है। स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा प्रेशर है, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बेटे जो है सोसाइटी में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करें। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर प्रेशर होता है कि हमारे स्कूल का बेस्ट रिजल्ट हो ताकि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा बेहतर बच्चे को एडमिशन नेक्स्ट ईयर ले जा सकें। और इन सब के बीच एक्सपेक्टेशन के बीच जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के पर्पस जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो उन सब चीजों को भी आज हम लोग इस आर्टिकल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन आर्टिकल का आज हम लोग डिटेल में विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसके PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/today@click पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको UPSC से रिलेटेड बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और नोट्स भी वहां पर उपलब्ध हो जाया करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। उससे आगे बढ़ने से पहले आपको जो है मेंस के लिए भी ये बेगिंग से रिलेटेड इशू से रिलेटेड आपको नोट्स तैयार करने हैं और उसमें लिखना है कि बेगिंग इन इंडिया इज अ मिनेंस टू द सोसाइटी कमेंट। ये जो है किस तरीके से सोसाइटी में देखी जाती है और उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन सब चीजों को रिलेटेड आपको नोट्स बनानी है। अब देखो आर्टिकल में क्या बातें कही गई। आर्टिकल में बातें कही गई कि सेंसस 2011 की अगर हम लोग माने तो हमारे देश में बेगर्स या फिर जो वैग्रेंट कहते हैं हम लोग, वो कितने हैं? लगभग 4,13,670 लोग जो हैं बेगर्स हैं और उसमें से 2,21,000 जो हैं ये मेल हैं और बाकी जो हैं वो फीमेल हैं। अगर स्टेट वाइज अगर आप जाओ तो ऑन एन एवरेज लगभग 81,244 लोग जो हैं हर स्टेट में आपको एज अ बेगर मिल जाएंगे और उसमें सबसे टॉप पे आती है वेस्ट बंगाल और उसके बाद आती है उत्तर प्रदेश, जहां पर बेगर की ज्यादा जनसंख्या है। तो नंबर्स डिफर स्लाइटली, ये जो नंबर है जो ये दिया गया सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो है ये पार्लियामेंट में पेश किया गया और उसके ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक बुक वहां पर लॉन्च की गई, हैंडबुक ऑन सोशल वेलफेयर स्टैटिस्टिक्स। तो दोनों के नंबर थोड़े चेंज नजर आते हैं, मतलब यहां पर जो 4 लाख बताए गए वहीं पर जो है इस बुक में ये जो नंबर है 3 लाख के आसपास बताए गए कि हमारे देश में बेगर हैं। तो खैर ये नंबर से ऊपर उठकर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ वैग्रेंट एंड व्हाई डू वी स्टिल यूज सच टर्म, और ये वैग्रेंट होते क्या हैं और ऐसे टर्म को आज के दौर में भी ये प्रचलित क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट स्लाइड में जो आपको वर्ड के मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे, जो भी ऐसे टिपिकल वर्ड्स होते हैं जैसे कि वैग्रेंट वो पर्सन होते हैं विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स लाइफ बाय बेगिंग, मतलब जिनके पास अपने घर नहीं होती है और वो जो है एक दिन यहां पर, दो दिन वहां पर, ऐसे वो रोम करते रहते हैं, जगह जगह पर जाते हैं और भिक्षा मांगकर अपनी जीवन यापन करते, उसे हम लोग वैग्रेंट कहते हैं। तो यही बातें यहां पर पूछी गई। तो अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से जाओ तो इसके जो भी डेफिनेशन है डिक्शनरी के, लेकिन अगर आप इंडिया में स्टेट्स देखो तो सेवरल स्टेट्स दिया जहां पर एंटी बेगरी लेजिस्लेशन बना हुआ है, मतलब कि बेगरी के खिलाफ हम लोग जो है कुछ नियम कानून बनाकर रखे हैं और ये जो आपको नंबर ऑफ वो स्टेट्स के यहां पर लिस्ट दिए गए। तो वर्ड वैग्रेंट इज अ कॉलोनियल लीगेसी, ये जो वैग्रेंट है ये ऐसी बात नहीं कि इंडिपेंडेंस के बाद हम इन टर्म को यूज करना स्टार्ट की, ये जो है ब्रिटिश राज के समय से इसका प्रचलन है और उसी चीजों को हम लोग जो है ब्रिटिश राज में क्या ऐसी मान्यता थी कि वैसे पर्सन जो कि एबल बॉडीड है, मतलब जो कार्य करने के लायक है लेकिन फिर भी उनको हम लोग जो है वो कार्य नहीं करते, वो लेजी वर्क करते हैं, तो उनको कंपल्सरली हमें वर्क करवाना है फोर्सफुली, जिसे हम लोग वर्क करवा सकते हैं उसे हम लोग वैग्रेंट जो है उस
दौर में समझा जाता था। और इंग्लैंड भी जो है उस टाइम वैगाबॉन्ड एंड बैगर एक्ट 1494 में लेकर आया था। ये देखो 1494 की बात हो रही है जब इंग्लैंड में वैगाबॉन्ड से रिलेटेड एक्ट बनती है, और उसके बाद ये इसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं और फाइनली ये वैग्रेंट एक्ट 1824 में बन जाती है। और ये 1824 वही समय है जब हमारे हम जो है आजादी की मतलब प्रथम युद्ध भी हमने नहीं की थी, वो 1857 में की थी। तो उससे पहले ही इंग्लैंड जो है वैग्रेंट जैसे एक्ट को वो क्रिएट कर चुका था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैग्रेंट एंड बैगर, मैं बोल रहा हूं बार बार जो ये टॉपिक की स्टार्टिंग हुई वो बैगर से हुई लेकिन डिस्कशन वैग्रेंट पे आ गई। तो ये बैगर और वैग्रेंट में क्या कोई अंतर है? जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया कि लोग जो है भीख मांग रहे हैं, और वैसे ही कुछ सिमिलर एक्टिविटीज जो है लोग साधु लोग जो भिक्षा मांग के अपने जीवन यापन करते हैं वो भी सेम चीजें को करते हैं, सिर्फ वो जो है एक जो है धार्मिक मुखौटा अपने ऊपर रखे रहते हैं। तो वैग्रेंट हैज नो फिक्स्ड अबोड एंड द वांडर्स अराउंड। पहली बार जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि उनके पास कोई ऐसा परमानेंट घर नहीं होता और वो इधर उधर घूमते रहते हैं अपने मतलब जीवन यापन के लिए। इज अ वैग्रेंट बैगर हु रोम अराउंड, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि वैग्रेंट भी जो है वो एक बैगर है, वो भीख मांगने वाले हैं जो कि घूम घूम कर भीख मांगते हैं। इज अ नन बैगर हु रोम्स अराउंड अ वैग्रेंट, या फिर जो ऐसे व्यक्ति जो कि बैगर नहीं है लेकिन फिर भी वो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनके पास अपनी परमानेंट हाउस नहीं है, क्या उसे भी आप वैग्रेंट मान सकते हैं? ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। तो बाय द डेफिनेशन, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अ रिलीजियस मेंडिकेंट इज अ वैग्रेंट, मतलब जो कि साधु सन्यासी आप लोग देखते हो जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैग्रेंट कहते हैं, अगर सीधे तौर पर समझा जाए इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो स्टेट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, अब बात जो हो रही थी कि बहुत सारे स्टेट्स में अपने तरीके से लेजिस्लेशन बनाया है बैगरी के खिलाफ, बट ऑल बट इन द मेंशन बैगरी नॉट अ वैग्रेंसी, लेकिन हर जो भी लिस्ट बनाई गई है उसमें बैगरी की जिक्र हुई है ना कि उसमें वैग्रेंट की जिक्र हुई है। तो कहीं ना कहीं बैगर और वैग्रेंट में कुछ ना कुछ तो अंतर है ही। तो बंगाल वैग्रेंट एक्ट जो कि 1943 में बनाया गया, उसके बाद कोचिन वैग्रेंट एक्ट ये 1945 में बनाया गया, और ये जो है कुछ पार्ट ऑफ केरला में ये अप्लीकेबल है। और अगर आप देखना चाहो कि फॉर वेस्ट बंगाल वैग्रेंट का मतलब क्या होता है, वैग्रेंट का मतलब वैसे लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, भिक्षा मांगते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए या फिर सिनेमा हॉल के बाहर हो गए, मंदिर के बाहर हो गए, पार्क के बाहर हो गए, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर जो लोग भीख मांगते हैं भिक्षा मांगते हैं या फिर वो घूम घूम कर लोगों से जो है भिक्षा मांगते हैं, रिमेनिंग इन द पब्लिक प्लेस या फिर कोई पब्लिक प्लेस पे परमानेंटली, जैसे रेलवे स्टेशन पे कोई परमानेंटली वहीं पर रहना है, वहीं पर भिक्षा मांगना है, जो मिला उसे खा लेना है, ऐसी मनोस्थिति। और वो जो पर्सन एग्जिस्ट बाय आस्किंग फॉर द आर्म्स, और ये जो पर्सन होते हैं ये जो भीख मांगते हैं जो लोगों से मांगते हैं ये सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए मांगते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे को इकट्ठा करके वो जो है बैंक अकाउंट में जमा करेंगे या फिर पैसे को इकट्ठा करके कल को वो करोड़पति बन जाएंगे, पेट्रोल पंप खरीद लेंगे, ऑडी खरीद लेंगे, ऐसी चीजें नहीं। वो चीजों को मांगते हैं ताकि वो दिन भर का उसका गुजारा हो सके। तो वैसे सर्कमस्टांसेस को जो है बाय डेफिनेशन इन द वेस्ट बंगाल क्या कहा गया है, वैग्रेंट कहा गया है। तो ऐसा ही कुछ तो हमारे साधु सन्यासी भी करते हैं। और अभी जब साधु सन्यासी की बात हो रही है तो आपको पता होगा कि अभी कुंभ चल रहा है प्रयागराज में और वहां पर ऑन एंड अराउंड लगभग 100,000 साधु आए हैं। अब आपके दिमाग में ये होगा कि 100,000 साधु आए, इसकी काउंटिंग आखिर कैसे की गई? तो लेजिस्लेशन बाय डायरेक्ट अगेंस्ट बैगरी, तो इसमें बहुत सारे जो लेजिस्लेशन बनाए गए जिसमें बैगरी को डिक्रिमिनलाइज किया गया, पहले उससे पहले क्रिमिनलाइज किया गया था। तो लीगली कवरिंग द रिलीजियस मैंडेट, इसका सीधे तौर पर मतलब निशाना कहां पर है? निशाना इस चीजों पर है कि वैसे जो कि साधु सन्यासी लोग जो भीख मांगने को मतलब आदि हो गए हैं उनको जो है टारगेट किया जाए और उनको इस सारी स्थिति से उबारा जाए। हाउ मेनी रिलीजियस मैंडेट, तो ये हमारे ऊपर क्वेश्चन उठता है कि 100,000 साधु सन्यासी हमारे कुंभ में तो चलो एकत्रित हो गए लेकिन पूरे देश में आखिर कितने ऐसे साधु सन्यासी हैं जो कि इच्छा मांगकर अपनी जीवन यापन करते हैं? क्या हमारे पास कोई गवर्नमेंट के पास कोई रॉबस्ट डेटा है? तो अगर आप 1911 मतलब आजादी से पहले की मानो तो लगभग हमारे देश में 9,79,000 फकीर हुआ करते थे, उसमें 8,00,000 योगी हुआ करते थे और 6,00,000 जो है मेंडिकेंट हुआ करते थे। तो सेंससेस टुडे डोंट कलेक्ट दिस नंबर, लेकिन आज का जो सेंसस है ये कोई ऐसा नंबर आपको नहीं देगा कि हमारे देश में कितने फकीर हैं, कितने योगी हैं या फिर कितने मेंडिकेंट है,
ऐसा डाटा हमारे पास उपलब्ध आज के दौर में नहीं है। तो अभी क्या डाटा हमारे पास है? हमारे पास डेटा है कि हाउस होल्ड सेंसस 2011 में जो शेड्यूल किया गया उसमें पूछा गया कि हम लोगों ने फोकस किया कि मेन वर्कर्स और फिर मार्जिनल वर्कर या फिर फ्यू क्वेश्चन ऑन द नन वर्कर। क्या तो आप तो वर्क करते हो जो आपका फिक्स्ड जॉब है, या फिर आप मार्जिनल वर्कर हो, कभी काम करते हो कभी खेती करते हो, या फिर नन वर्कर आपके पास कोई भी काम काज है ही नहीं। और अगर आप नन वर्कर हो, कोई काम काज नहीं है, तो आपके पास जो है तो ऐसे ऑप्शन आते हैं टिक करने के लिए। पहला होता है कि क्या आप बेगर हो, और दूसरा आता है कि क्या कोई अदर है, मतलब बेगर या फिर अदर एक ऑप्शन आता है। अब अदर का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, बेगर हो या फिर आप जो है साधु हो, फकीर हो, या फिर आप जीवन यापन किसी और तरीके से कर रहे हो, या फिर वैगाबॉन्ड हो, घूम घूम कर आप रहते हो। तो ये चीज स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे कि 1911 में हम स्पेसिफाइड कर निकाले थे कि हमारे पास कितनी फकीर है, कितने योगी हैं, कितने मैंडिकेंट हैं। तो रिलीजियस मैंडिकेंट, नो हाउस होल्ड टू बी विजिटेड। अब देखो प्रॉब्लम ये भी है कि जो सेंसस 2011 में की गई, ये घर घर जाकर लोगों से पूछा गया, लेकिन ये जो रिलीजियस मैंडिकेंट्स होते हैं, जो कि साधु सन्यासी होते हैं, इनके पास तो अपनी परमानेंट हाउस होती ही नहीं है। सन्यासी का मतलब ही हमारे देश में ये समझा जाता है कि आप जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो है पूरी तरीके से कट चुके हो, आप मोह माया से ऊपर उठ चुके हो, ना तो आपके पास अपना परिवार है और ना ही जो है आपके पास अपनी घर है, संपत्ति है, सब चीजों से आप ऊपर उठ गए, तो सन्यासी। लेकिन अभी ये चीजें देखेंगे कि सन्यासी हैव स्टार्टेड टू गेट अ लीगल आइडेंटिटी, सन्यासी को भी एक लीगल आइडेंटिटीज अब दी जा रही है। लीगल आइडेंटिटीज तो खैर हमारे देश में जो है काउ को भी देने की बात चल रही है, तो उसी तरीके से सन्यासी लीगल आइडेंटिटीज की जब मैं बात करता हूं, तो आपका माइंड तुरंत जाना चाहिए आधार पर कि हमारे देश में जब हम जो ये कलेक्ट करते हैं कि कितने लोग हैं, और वो जब लोग होते हैं तो सबकी यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है, जिसे हम लोग आधार कहते हैं। तो इसमें जो है बहुत डिफरेंट तरीके की चीजें की गई, लेकिन उनके पास जब हाउस है ही नहीं, तो उनसे किस तरीके से पूछा जाए कि आप क्या काम करते हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। इट आस्क अबाउट द मेन सोर्स ऑफ द हाउस होल्ड इनकम, और इसमें जो बहुत सारे जो इसमें डेटा कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया थी, इसमें पूछा जा रहा था कि आप हाउस होल्ड में जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं इनके पास तो हाउस ही नहीं है, तो इनसे कैसे ये सवाल किया जाए, ये सवाल ही इनके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वी हैड अ बेटर नंबर्स ऑफ द रिलीजियस मैंडिकेंट्स इन द 1911, तो ये हमें ये पता चलता है कि 1911 में हमारे पास ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और ज्यादा बेटर जो है डेटा हमारे पास था 2011 और 2019 के मुकाबले। तो हमें जो है एक पहले रॉबस्ट डेटा तैयार करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को यह पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने साधु सन्यासी अनुयायी हैं, जो कि क्या करते हैं, नन वर्कर है, मतलब वो जो है कोई भी वर्क करके हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। और उसके बाद हमें जो है पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढने की आवश्यकता है कि हम ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हैं, उनसे भी हम जो है मुख्य दायरे में जोड़ सकें। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग अगर चलें, तो उसमें बात की जा रही है नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया का अगर आप लोकेशन देखो, तो ये देखो इंडिया है आपका, और इंडिया से आप अगर आप वेस्ट की ओर जाते जाओ, तो ये आपको पाकिस्तान होते हुए सऊदी अरेबिया मिलेगा, उसके बाद ये अफ्रीकन कंटिनेंट आ जाती है, और अफ्रीकन कंटिनेंट में सबसे नीचे साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से आगे बढ़ो नाम्बिया, अंगोला, ऐसे होते हुए आप यहां पर पहुंच जाओगे नाइजीरिया, यही कंट्री है नाइजीरिया। तो आखिर कनेक्शन स्वच्छता मिशन से इसका किस तरीके से दर्शाया गया, तो नाइजीरिया जो एक कंट्री है, इसमें पॉपुलेशन लगभग 191 मिलियन है 2018 की ये डेटा पेश की जा रही है। और ये जो नाइजीरिया, जैसा मैंने आपको लोकेशन दिखाया, सब सहारन अफ्रीकन रीजन में आता है, और ये जो है बहुत के पास नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेस इसके पास ट्रेमेंडस अमाउंट में है, और क्रिटिकल चैलेंजेस, लेकिन इन सब के बावजूद नाइजीरिया कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस से भी जूझ रहा है, और उसमें से है वाटर, दूसरा है सैनिटेशन, और तीसरा है हाइजीन, जिसे हम लोग वास भी कहते हैं, WA4 वाटर, S4 सैनिटेशन और H4 हाइजीन। तो सिग्निफिकेंट प्रोसेस, मतलब इट हैज मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन सब चीजों में, ये बहुत प्रोग्रेस भी की, जैसे कि नेशनल एक्सेस टू द इंप्रूव्ड वाटर सप्लाई जो है इसके इस देश में नाइजीरिया में 40% थी 1990 में, जो कि 69% हो गई थी 2015 में। लेकिन इसमें जो पाइपलाइन से, जो कि टैप वाटर आपके घरों में आता है, वो जो पाइपलाइन से आपके पास जो वाटर कनेक्टिविटी होती है, ये जो है 1990 में 32% थी, लेकिन ये 2015 में 7% पर फॉल कर गई है। तो इतनी बड़ी डिक्लाइन आखिर क्यों हुई? द नेशनल एक्सेस टू द बेसिक सैनिटेशन, और बेसिक सैनिटेशन को जो एक्सेस इस देश में है वो भी बहुत ही कम, और ये 33
25% के आसपास ही है। एंड तब इसका सीधे तौर पर अगर सीधे तौर में बोला जाए तो 47 मिलियन जो पर्सन हैं जो कि ओपन डिफिकेशन, मतलब ये 47 मिलियन पीपल जो है नाइजीरिया में जो है खुले में शौच करते हैं, और अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझो तो सेकेंड हाईएस्ट ग्लोबली, पूरे विश्व में अगर सेकेंड हाईएस्ट जहां पर ओपन डिफिकेशन होता है तो उस देश का नाम क्या है, नाइजीरिया। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने जैसे SDG होती है, जैसे हमने स्वच्छ भारत मिशन बनाया, अपने गोल तैयार करते, वैसे इस देश ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाया। उसके बाद जो है सैनिटेशन प्रोसेस को सुधार करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किए। उसके बाद जो है पार्टनरशिप फॉर द एक्सटेंडेड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाइजीन, मतलब ये जो वास है इसमें पार्टनरशिप करके एक दूसरे को किस तरीके से ठीक किया जाए, वो भी 2016 में इन्होंने रूल बनाया। और इस ओर जो है अपनी जो है दिशा निर्देश करते गए कि कैसे जो है नाइजीरिया के कंडीशन को सुधारा जा सके। अब इन सब के बीच जो है इंडिया इस गोल को अचीव करके इन पिछले 4 सालों में ये दिखाया कि स्वच्छ भारत मिशन से जो है हम कैसे इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री, हम लोग 2019 में, मतलब हम लोग बोलते हैं कि 2019 तक जो है इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये जो है ट्रिमेंडस स्टोरी, और ये जो अचीवमेंट की स्टोरी है ये नाइजीरिया को भी अच्छी लगी, और ये भी सोचता है कि इंडिया के तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकेंगे। और ऐसा इसलिए भी ये सोचती है क्योंकि नाइजीरिया और इंडिया में कुछ सिमिलरिटीज हैं। पहली सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों ही देश में उनकी अगर आप एरिया के अनुपात में देखो तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है दोनों कंट्री में। उसके अलावा दोनों ही कंट्री में डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, मतलब वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी है जो कि अपने तरीके से काम करती है, और दोनों के दोनों देश जो है वास्ट चैलेंजेस से भी जूझ रही है जो कि वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन कहते हैं। तो इन सब के बीच अभी जो है स्वच्छ भारत मिशन को देखते हुए महात्मा गांधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाया गया अक्टूबर 2018 में, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था एडिटोरियल में। तो मास मूवमेंट, ये एक बहुत अपने आप में मास मूवमेंट था, कैंपेन एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल। तो इन सब चीजों से निचोड़ क्या निकलता है कि स्वच्छ भारत मिशन आखिर इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि ये एक जो है लोगों में, जन जन में ये एक जो है योगदान इसको मिलना स्टार्ट हो गया। लोग जो है समझने लगे कि स्वच्छता की क्या इंपॉर्टेंस है, लोग जो है जो ऐसी चीजों को नहीं भी करते थे लोग उनको सजेस्ट करने लगे कि आपके आसपास स्वच्छता रहने का बहुत ज्यादा फायदा है। तो ये एक मास मूवमेंट बन गया। दूसरी बात क्या कि कैंपेन एट द नेशनल एंड द सब नेशनल लेवल, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि 15 अगस्त आजादी का दिन होता है, उस दिन हमें जो अपने आप पर गौरवान्वित होने का दिन होता है, वैसे मंच पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छता के बारे में बात करते हैं, ओपन डिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतने बड़े मंच से जो है छोटी सी छोटी बातों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है एंड अ क्लियर कट स्ट्रेटेजी। और उसके बाद बातें ही सिर्फ हमने नहीं की, हमने एक विजन तैयार किया और विजन तैयार करने के अकॉर्डिंग उस ओर जो है काम किया और उस काम को हमने अचीव भी किया। तो ये तीनों चीजें कि मास मूवमेंट हो या फिर जो है नेशनल सब नेशनल लेवल पर लोगों को अवेयर करवाया जाए और क्लियर कट विजन है, ये तीनों चीजें नाइजीरिया में जो है हमें देखने को नहीं मिलती है, जिसकी सख्त जरूरत है। और हाई लेवल पॉलिटिकल विल इस सब के बीच नाइजीरिया में जो है उनमें ये चीजें करने की मतलब प्रवृत्ति तो दिखती है, क्योंकि मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझाया कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने लेवल पर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को बनाए कि वास जैसे चीजों को हम लोग अचीव कर सके, लेकिन उनके पास कमी जो है इन सब चीजों की कमी के कारण वो अचीव नहीं कर पा रहे। तो इन नवंबर 2018 वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने डिक्लेयर किया इमरजेंसी को डिक्लेयर किया, और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान फॉर द सेक्टर, और ये कौन से सेक्टर के लिए, पहली बात इन्होंने गवर्नेंस के लिए, दूसरी सस्टेनेबिलिटी के लिए, तीसरी सैनिटेशन के लिए, फंडिंग एंड फाइनेंसिंग के लिए एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ऐसे चीजों के लिए इन्होंने 5 कंपोनेंट बताए जिस पे जो है देश काम करेगी, और इसको जो है क्लियर कट विजन देने की भी कोशिश की गई जिसके पास इसकी कमी थी। और इसमें बताया गया कि 18 महीने तक जो है इमरजेंसी का फेज चलेगा और इन सब 5 कंपोनेंट पर पूरी तरीके से ध्यान दी जाएगी। उसके बाद आने वाले 5 वर्षों में क्या होगा, रिकवरी फेज होगा,
होगा कि हमारी किस तरीके से उसको रिकवर किया जाए, जो भी लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या खोए क्या पाए, और उसके बाद 13 वर्ष तक जो है रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटेजी, मतलब कि आगे इसको कैसे फ्यूचर में और एक्सपेंड किया जाए, इसको बेहतर बनाया जाए, उन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। तो ऐसे क्लियर कट विजन जो है नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने दिया, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल वॉश फंड, और इस तरीके से जो है नेशनल वॉश फंड को भी वहां पर बनाया गया, जहां पर जो है अलग से पैसे वहां पर एकत्रित किए जाएंगे, और उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस चीजों के लिए किया जाएगा, वाटर हाइजीन और जो है सैनिटेशन के लिए किया जाएगा। और एक बात हमें यह समझनी होगी कि ये जो वाटर है और दूसरी सैनिटेशन है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक आर्टिकल भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर सैनिटेशन, ओपन डिफिकेशन फ्री, ये सारी चीजें हो जाती है, वाटर को अगर हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो इससे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, बहुत सारे गोल को हम लोग ऑटोमेटिकली अचीव कर लेंगे। अगर ओपन डिफिकेशन फ्री होता तो बहुत सारे ऐसे जो डिजीजेज होते हैं, जो कि मतलब प्रेग्नेंट वेमेन हो गए या फिर छोटे बच्चे हो गए, उन सब चीजों को हम लोग उनसे बचा सकते हैं, या फिर जो गर्ल्स की जो कंडीशंस होती है रूरल एरियाज में, उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उन सब चीजों को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसकी अचीवमेंट जो है SDG के दूसरे चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट करती हैं। तीसरी आर्टिकल में बढ़ते हुए हम लोग देखें कि इसमें एग्जाम के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत अच्छा कोटेशन भी यूज किया कि शुड द चाइल्ड बी ब्लेम्ड फॉर नॉट हैविंग लर्न द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्जेब्रा बिफोर कमिंग इन टू द वर्ल्ड। मतलब किसी बच्चे को आप जो है दोषारोपण करोगे कि आप जो है जन्म लेने से पहले ही क्यों नहीं एल्जेब्रा के प्रॉब्लम को रट्टा मारकर जन्म लिए। तो एज द बोर्ड एग्जामिनेशन अप्रोच, जैसे जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है कुछ टर्म्स जो है आपको ज्यादा सुनने को मिलेंगे। पहली होगी सक्सेस, दूसरी होगी फेलियर, कि मतलब ये जो है दो वर्ड जो लोगों को हमेशा डराना स्टार्ट कर देती है बच्चों को, और ये सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रहती, ये जो एंग्जायटी है ये पेरेंट्स के तरफ से भी बच्चों को दिखाया जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर मार्क्स स्कोर करना है, एंड द पैटर्न ऑफ एजुकेशन जो है पैथोलॉजिकल, और ये जो एजुकेशन का पैटर्न है कहीं अपने जो है वास्तविकताओं को ये खोता चला जा रहा है, और हम लोग जो है सक्सेस एंड फेलियर पे एजुकेशन को अब मेजर करना स्टार्ट कर दिए। वी डिसलाइक द एक्सपेरिमेंटेशन, और हम जो है नए नए चीज़ों को, जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही है, उस चेंज को अडेप्ट करने में और अडेप्ट करने के बाद नए एक्सपेरिमेंट करने में हम जो है झिझकते हैं, और ये झिझक के कारण क्या होता है कि वी मेड अ सुपरफेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म। मतलब हम जो है क्या चीजें जो चीज सोच सकते हैं जो अभी नहीं है, तो वो भविष्य में ऐसी चीजें हो सकती है, वो चीजें होना, और प्रैग्मेटिज्म मतलब जो भी चीजें हो रही है उसके व्यवहारिकता में उसे उतारना, इन सब चीजों के बीच में हम लोग जो एक सुपरफिशियल डिस्टिंक्शन बना लेते हैं, और जिस कारण से हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको अगर करना है कुछ तो आप क्या करो, आप जो है IIT को कंप्लीट करो, अगर आपको कुछ करना है तो आप मेडिकल करो, आपको कुछ करना है तो CA की तैयारी करो, इसके अलावा जो है आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और जब स्टूडेंट को ये बातें पता चलती है तो उसे लगता है कि पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनके पास जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम बहुत ही संकीर्ण है। उसको एजुकेशन जब वो 12th दे रहे होते हैं तो उनके माइंड में यही होता है कि अगर हमने साइंस दिया है तो आपको जो है इंजीनियरिंग के एग्जाम में बैठना होगा। तो वैसी चीजें, संकीर्णताएं, उनकी सोच पॉसिबिलिटीज जो है धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और ये जो पॉसिबिलिटीज है रूटीनाइजेशन ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड ग्लोरीफाइंग द सक्सेस स्टोरीज ऑफ द टॉपर्स। और होता क्या है कि जो लोग टॉप कर गए, आपसे जो सीनियर्स हैं, वो अपने सक्सेस स्टोरीज को बताते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ाई करते थे, हम इस तरीके से टॉप किए, और उसके बाद जो है वो प्रेशर बनता है स्टूडेंट्स के ऊपर, और वही चीजें जो कि सेम TV के न्यूज चैनल आपको टॉपर्स के इंटरव्यू दिखाते हैं, वही सेम TV न्यूज चैनल आपको फिर दिखाते हैं कि कितने नंबर ऑफ सुसाइड्स हो रहे हैं मेंटल प्रेशर के कारण, जो कि स्टूडेंट उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे। एवरीथिंग वुड फंक्शन एज यूजुअल, जैसे कि ब्लैक एजुकेशन, ये जो पूरी एजुकेशन चल रही है, एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी चल रही है, जैसे कि ब्लैक एजुकेशन इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो चीजों को, जो सिलेबस को आप एजुकेशन को कवर करते हो स्कूल में, उसी चीजों को वापस से कवर करने के लिए आपको जाना पड़ता है कोचिंग सेंटर में, और ये जो कोचिंग सेंटर है सेम चीजों को आपको करवाती है, और ऐसा नहीं है कि स्कूल में वो चीजें आपको फ्री ऑफ
कॉस्ट मिल रही है। आज के दौर में जो स्कूल की जो फी हो गई है ये किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से कम नहीं है इसकी मंथली फी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कि आप स्कूल में भी पैसे को दे रहे हो और कोचिंग में भी पैसों को दे रहे हो तो वो चीज़ें आपको क्या कहते हैं, ये एक ब्लैक एजुकेशन है। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी बुक आपके मार्केट में आ जाएंगी जो कि गाइड बुक के तौर पर काम करती है और वो आपको दावा करती हैं कि आप अगर इस बुक को पढ़ लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हो कम समय में। तीसरी बात क्या कि लोगों के पास, स्कूल के प्रिंसिपल के पास ये बर्डन होता है कि उनकी स्कूल की रैंकिंग जो है इस बार बेटर होनी चाहिए और ये रैंकिंग जो बेटर होती है वहीं पेरेंट्स के पास ये होता है कि कट ऑफ पॉइंट्स, मतलब हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर मार्क्स को स्कोर कर सकें, उस कट ऑफ पॉइंट्स को वो अचीव कर सकें ताकि हम अपने बच्चे को क्या कर सकें, बेहतर संस्थान में उनकी एडमिशन को करवा सकें। तो आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट सो? द सिस्टम दैट क्लोजेस द माइंड ऑफ द यंग लर्नर, ये जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है जो कि हम लोग देख रहे हैं, ये यंग लर्नर के माइंड को क्लोज कर देते हैं। क्लोज क्यों कर देते हैं, क्योंकि अगर आपकी चाहत कुछ और है भी तब भी आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपने बेटर स्कोर किया, आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप साइंस और इकोनॉमिक्स लेने के एलिजिबल हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन अगर आप मार्क्स उतने अचीव नहीं कर पाए, भले ही आपकी इंटरेस्ट ही उस फील्ड में है, लेकिन आपको जो है साइंस और इकोनॉमिक्स वो एजुकेशन सिस्टम आपको नहीं लेने देगी, आपको जो है ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट से हो सकता है वहां पर जाकर कंप्रोमाइज करना पड़ जाए, पास थ्रू द मोस्ट ट्रैवल्ड। और आपको जो है ऐसे भी, मतलब ब्लैक एजुकेशन की जब बात होती है तो ये बातें लोगों में जहन में बैठ गई है कि आप अगर 10th के बाद 11th में साइंस लेते हो तो साइंस लेने के बाद आपको आकाश हो गया, फिजी हो गया, IIT ऐसे संस्थान जो कि कोचिंग संस्थान है, आपको जाकर वहां पर जो है वो ट्रेनिंग लेनी होगी। और जब और वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मतलब आकाश इंस्टीट्यूट, फिजी इंस्टीट्यूट या फिर ABCD जो भी इंस्टीट्यूट है वहां पर जाकर आप पढ़ाई करते हो तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, उसमें रिस्क कम है। अदरवाइज आप अगर कुछ भी इधर उधर ज्यादा करने की कोशिश करते हो तो आप जो है बेटर आप फ्यूचर नहीं बना सकते। इम्पॉसिबल फॉर वन टू ऑप्ट फॉर द फिजिक्स, हिस्ट्री एंड द म्यूजिक। अगर किसी व्यक्ति को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, फिजिक्स अगर उसे अच्छा लगता है और साथ ही साथ उसे हिस्ट्री पढ़ने की आदत है तो वो ऐसे सब्जेक्ट का चूज नहीं कर सकता। अगर वो फिजिक्स में इंटरेस्टेड है तो इसका मतलब ये हो गया कि केमिस्ट्री और मैथ्स तुझे जो है बाय डिफॉल्ट लेना ही लेना पड़ेगा। अगर वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं पढ़ना है, फिर हिस्ट्री के अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जिसमें आपकी इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी वो आपको जबरन पढ़ाई करनी होगी। तो वैसे चीज़ों के कारण हम लोग क्या कहते हैं कि उनके पास स्कोप कम है, उनके माइंड को हम लोग कम कर देते हैं। स्कूलिंग प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर द एलिनेटेड एग्जिस्टेंस, मतलब आपको अकेला कर देता है। कोई भी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होने के बावजूद भी जो है 5 ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ जाएंगे जिनमें आपको रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं होती। एंड द सिस्टम ऑबेस्ड विद द क्वांटिफिकेशन ऑफ नॉलेज एंड द इवेल्युएशन। और ये क्वांटिफिकेशन किस तरीके से, आप अगर जो है एजुकेशन सिस्टम में जाओ और बच्चों के वीकली टेस्ट को देखो या फिर क्लासरूम में जो कि समर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको जिस तरीके के काम दी जाती है तो वो व्यवहारिकताएं में किस तरीके से उतरती है इसका आप लोग सही पिक्चर नहीं लगा सकते। बी ए स्ट्रेटेजिस्टिक। और लोगों को क्या बताया जाता है, जब एग्जाम के टाइम आते हैं तो लोगों को बोला आपको स्ट्रेटेजी बनाना और किन चीजों के आंसर्स को जल्द से जल्द रट सको, लिख सको, उसके लिए आपको बुलेट पॉइंट याद करने होंगे, आपको हर चीजों को रिड्यूस करना होगा। लेकिन देखो, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम जो है मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्कोर कर सकें। कोई पोएट का लिखा हुआ पोएम को आप रिड्यूस कर अपने शब्दों में उसे नहीं बांध सकते। वो पोएम की अगर वो कोई चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उस चीजों को आपको ज्यादा से ज्यादा बृहत रूप में समझना होगा। कोई अगर हिस्ट्री या फिर प्री इंडिपेंडेंस की चीजें हैं तो आप उसको छोटे में कर उन चीजों को आप संकीर्णताओं में नहीं बांध सकते। आपको हर चीज को रिडक्शन करने की जो प्रक्रिया बताई जाती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकें, इसमें होता क्या है कि हम जो है एजुकेशन सिस्टम को खोकर हम जो है स्कोरिंग सिस्टम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। व्हाइल द सक्सेसफुल वैरियर ज्वाइंस द IITs कॉलेज लाइक, जो कि मतलब बहुत अच्छे पढ़ने में लोग होते हैं या फिर जिनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, बहुत अच्छी जिनको एजुकेशन सिस्टम मिल गए तो वो लोग चलो IIT ज्वाइन कर लेते, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते, अच्छे अच्छे कॉलेजेस को ज्वाइन कर लेते। लेकिन वैसे बच्चे जो कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाते वुड बी कंपेल्ड टू रियलाइज दैट इट इज पेनफुल
स्कूल टू बी यंग वुंडेड एंड स्टिग्मेटाइज, मतलब वैसे बच्चे जो जो स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनको मतलब ये फोर्सफुली महसूस होना पड़ता है कि एक यंग जनरेशन होना, मतलब हमें जो बच्चे ही हम बेहतर थे, अगर हम आज बड़े हो गए तो ये हमारे लिए और दर्दनाक स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज में हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो जो है बेटर स्कोर करने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाने वाले बच्चों के लिए ही है। एंड नो देयर इज़ अ नो पीस इन दिस सिस्टम। और इसके बावजूद भी कि आप स्कोर कितना करते हो नहीं करते हो, अगर आपने स्कोर कम कर लिया तो भी आपको शांति प्रक्रिया वहाँ पर नहीं मिलेगी, उसके बाद आपको जो है काउंसलर से मिलने होंगे और काउंसलर आपको सेल्फ हेल्प आप जैसे बुक्स आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे कि आप कैसे जो है खुद की स्थिति को बेहतर सुधार सकते हो, और फ्री टाइम में आप खुद को एनालाइज कर पढ़ाई करो उसके बारे में। एंड द लाइफ वर्ल्ड गेट इंक्रीजिंगली कॉलोनाइज्ड बाय द मार्केट। और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मार्केट है ये लाइफ वर्ल्ड को हमारी जिंदगी को जो है धीरे धीरे अपने बस में करता जा रहा है। एजुकेशन बिकम मेयरली अ परफॉर्मेंस, अ पैकेज्ड गुड फॉर सेल। और ये जो एजुकेशन है एक जो है आप कह सकते हो वेल पैकेज्ड है, मतलब कि 10th आपने बहुत अच्छे स्कूल से किया, 12th बेटर स्कूल से किया, ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेजेस से किया, अच्छे मार्क्स आपके पास हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है बेस्ट से बेस्ट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो, आप वहां पर इंटरव्यू क्रैक करो और जो है आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जो है कोई बेहतर स्कूलिंग से आपकी स्कूलिंग नहीं हुई है, अगर आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं है तो आप उस रेस में बैठने के लिए भी नहीं एलिजिबल हो, आपको वहां पर इंटरव्यू भी नहीं दिया जाएगा। तो वैसे जो है क्या है, एजुकेशन एक पैकेज्ड गुड फॉर सेल बन गई है। और इसमें टीएस एलियट का एक स्टेटमेंट है, नॉलेज वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन, हम लोग जो है नॉलेज को किस चीजों में खोते चले जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन और विजडम इन द नॉलेज, और अपनी जो बुद्धिमता है उसको हम लोग नॉलेज में खोते चले जा रहे हैं कि हमें जो अपनी बुद्धिमता से जो चीजों को करनी चाहिए हमें उस चीजों में देखी जा रही है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आप कितना मार्क्स को स्कोर किए हो, ये ज्यादा आज के दौर में मायने रखने लगा है कि आपकी जो है कॉमन सेंस कितनी ज्यादा काम करती है। तो थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।